तो हमारी जो किया सेल्टोस है, इसे इस मार्च में 2 साल होने वाले हैं, मतलब 2 साल ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे। तो कोई भी आप कार देख लो, कोई भी जो मार्केट में आती है, तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत तो आती है, जो मतलब आपको 1-2 साल बाद ही पता चलती है, मतलब अभी आपको डायरेक्ट नहीं पता चलती। जैसी कार ले लो, तो मैं आपको ना सारी वो दिक्कतें बताता हूँ जो हमें 2 साल बाद पता चली है किया सेल्टोस के बारे में। तो मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ सारी। तो पहला पॉइंट तो यही आ जाता है, रैटलिंग, बहुत ज़्यादा रैटलिंग होती है यार इसमें। ये देखो, मैं आपको ना दिखाता हूँ। हर जगह से, जिधर से भी आप देखो, प्लास्टिक सारे ना इसके खराब ही हो गए। देखो ये देखो, ऐसे आवाज आती है जैसे 10 साल पुरानी कार है। और ये देखो, इधर से भी बहुत आवाज आती है। फिर आपकी बात करो, ये देखो, ये बहुत, ये पहले भी बहुत आती थी, अभी भी और बढ़ गई है। ये देखो, ये भी मतलब सही नहीं है। और एक इधर से बहुत आती है, ये वाले एरिया से भी पता नहीं बहुत आवाज आती है यार। ये देखो, मतलब ना ऐसे जो टाइट वाला सामान होता है, इसमें वो नहीं है यार, पता नहीं, मतलब आवाजें बहुत आती हैं इसमें से। और ये सबसे ज्यादा, मैं आपको ना इसकी जो अंदर की क्वालिटी है, जो दिखती ही नहीं है मतलब बंदे को और ये आंखों से, उसके बाद होता है हर कार के लिए टेस्ट हो जाता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपने शायद ही देखी हो। ये देखो, जब भी आपने कार की क्वालिटी चेक करी ना, अंदर से कैसी, बार बार से नहीं, मैं समझाता हूँ। शीशे को ऐसे आधा, ये देखो समझाते, शीशे को ऐसे आधा खोलो और डोर बंद करके देखो, देखो इसका शीशा कितना ज्यादा वाइब्रेट होता है। अगर तो कार का शीशा इतना ही वाइब्रेट हो, तो कार के अंदर से क्वालिटी उन्होंने अच्छे ध्यान नहीं दिया। अगर तो बिल्कुल ऐसे सीधा रहे, तो बंदे की मतलब कार की क्वालिटी में कुछ बातचीत है। ये देखो, इसका मैं आपको करता हूँ, वाइब्रेट बहुत होता है। ये देखो कैसे बहुत हिलता है ये वाला शीशा, ये हिलना नहीं चाहिए। तो आपको कैमरे में अच्छे दिखा नहीं होगा, अगर किसी के पास किया सेल्टोस है, वो एक बार ट्राई जरूर करे। तो इससे क्वालिटी का पता चलता है, अंदर की क्वालिटी कैसी है। एक और जगह जिधर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, आपने जैसे वो वाले व्लॉग्स में देखा होगा जब हम वो धर्मशाला गए थे। तो अब ये वाला पिलर है ना, जो ये वाला, इसमें से अभी पता नहीं, अभी तो जब चलती है तभी आती है, इसे ना बहुत ज़्यादा ड्रू की आवाज़ आती है, जैसे कोई अंदर अटका हुआ है इसके अंदर। मैं, हमने किया वाले से दिखाया भी था, वो कहते सर पता नहीं कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही। तो हमने फिर थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, अब फिर से आनी शुरू हो गई, इसी पिलर में से आती, पता नहीं अंदर कुछ इसमें ना टूटा टूटा ऐसा लगता है कि कुछ पड़ा हुआ है और वो टूटा हुआ है। जो अगला पॉइंट आ जाता है वो बनता है जो इसके डोर है, उसमें से रैटलिंग बहुत होती है जब स्पीकर बजाओ। मैं आपको एक सेकंड गाना बजा के दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, जब आप, ये देखो मैंने बेस अभी बहुत कम रखा हुआ है, तो अगर मतलब ज्यादा बेस कर दो तो मतलब इसको बहुत ही ज्यादा आती है। अभी तो मेरा कम है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये अभी देखना, मैं ना गाना बजाता हूँ, अब अभी रैटलिंग की आवाज देखना। तो जो अगला पॉइंट इसका बन जाता है, वो मतलब छोटा सा है लेकिन पॉइंट तो पॉइंट है। ये देखो, यहाँ पे ना इसके ब्लू टिंट नहीं लगा हुआ, जो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाता नहीं। तो हमारी पता नहीं पुरानी क्रेटा में था और पुरानी होंडा सिटी में भी था, तो जैसे आप पहाड़ों में जाते हो या मतलब तो होता है, तो यहाँ से बहुत धूप आती है इसमें ना, यहाँ से इस एरिया से बहुत ज्यादा धूप आती है। तो यहाँ पे एक ब्लू टिंट होनी बहुत जरूरी थी, जब भी हम पहाड़ों में गए थे इस कार में, तो इधर से दिक्कत आई थी। तो अगला पॉइंट आ जाता है ये बैकलाइट स्विच, मैंने आपको पहले ही वॉवर ही बताया है। तो ये आ रहे सबसे बेकार चीज है इस कार के बारे में, ये जो स्विच है ना, सारे ही होने चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ये वाला है, बाकी कोई भी ना बैकलाइट नहीं है। तो मतलब रात में बहुत दिक्कत आती है इसमें जो स्विचेस की वजह से, मतलब बिल्कुल ही मतलब फालतू वाली पैसे कटाए ये वाले। तो मतलब थोड़ी छोटी सी लाइट ही लगानी होती है, यहाँ तो देनी चाहिए थी लाइट, ये बहुत जरूरी चीज़ है जो उन्होंने इधर ये नहीं दी हुई। फिर एक मतलब एक और पॉइंट बन जाता है इसके हेडलाइट का थ्रो, इसकी लाइट दिखने में तो बहुत सुंदर है और ब्राइट भी बहुत है, लेकिन ना जैसे ज्यादा आगे की तरफ नहीं होती, इसकी थ्रो नहीं ज्यादा आता जो भी मतलब लाइट का। तो मतलब इसको फुल आप हाई बीम भी चलाओ तो ज्यादा थ्रो नहीं आता लाइट का, जितना आना चाहिए मतलब उतना थ्रो नहीं आता।
लास्ट पॉइंट तो आपको पता ही बिल्ड क्वालिटी है, मतलब उसको तो मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, बस एक बिल्ड क्वालिटी लास्ट पॉइंट है और इसको मैं कुछ नहीं कहना उस बारे में। तो यह छोटी सी वीडियो थी मतलब सारे पॉइंट्स के बारे में, जो किया के एक साल बाद हमें पता चले कि सही नहीं है। ओवरऑल गाड़ी में से कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है दिखने में, चलने में, बैठने में, हर चीज में, लेकिन जैसे छोटी छोटी चीजें होती है ना उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने पैसे काटे हैं। जैसे एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे शीशा उसमें कवर नहीं है ना लाइट है, और ये देखो यहाँ पे तो शीशा ही नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं शीशा शीशे का। तो मतलब हर जगह ना छोटे छोटे पैसे उन्होंने काटे ही हुए हैं। देखो ऐसे ग्लव बॉक्स ऐसे खुद नीचे आता है, गिर जाता है, मतलब आराम से नहीं आता, और इसके अंदर लाइट नहीं लगी हुई, ये फालतू फालतू लाइटें लगाई हुई है। और तो बस देखो वो स्विचेस पे लाइट वेट नहीं है, और पडल, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजों में बहुत पैसे काटे इन्होंने। और ये जो आवाजें आती है ना डोर में से, ये वाली, ये ठीक करनी बहुत जरूरी है इनकी। देखो प्लास्टिक क्वालिटी भी अंदर से नहीं अच्छी, बार बार से तो अच्छी लगती है, अंदर से नहीं अच्छी है। देखो बस यही चीजें हैं, अभी तो सिर्फ 2 साल भी नहीं हुए फिर भी इतनी आवाज आ रही है यहाँ से। तो बस यही था आज का, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर।